नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम फाइनल आंसर की पीआरटी विषय की लेकर के जब से जारी हुई है उस पर विवाद छिड़ा हुआ है। उसमें अलग अलग क्वेश्चन को लेकर के भी और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसका फाइनल आंसर की में जो जवाब दिया गया उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, तो उसको लेकर के जस्ट अभी एक अपडेट निकल के आई। उसकी बात करने से पहले न्यूज की बात करेंगे, साइड में वो न्यूज देख पाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग। ये जो न्यूज देख रहे हैं ये परसों की न्यूज है, जिसमें बात क्या की गई वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो इसमें यही बताया गया कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने को लेकर के मांग यहां पर की जा रही थी कि एक और बार आपत्ति देने जो है वो दिया जाए। साथ ही इसमें जो फाइनल आंसर की जारी हुई है, 20 जुलाई को ये परीक्षा हुई थी, इसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया था, दो प्रश्न जो फाइनल आंसर की उसी की बात की गई, दो प्रश्न भाषा के थे तो 2-5 प्रश्न ऐसे थे जो सामान्य अध्ययन का उत्तर जिसमें बदल गया है। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर जो है उसमें 3 से 4 नंबर की कमी भी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप ये कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन जो है उन्होंने कहा कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल में दिया भी गया है, लेकिन उत्तर कुंजी जो है उसमें दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग जो है वो माना गया है। और शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये जो मैंने न्यूज आपको बताई परसों वाली वो इसलिए बताई, पहली बात तो हमने इस न्यूज की बात नहीं की थी, दूसरा इसलिए भी बताई क्योंकि इसमें जो मेन मांग रखी जा रही थी वो ये थी कि फिर से आपत्ति जो है वो देने को लेकर के मौका दिया जाए, तो ये मांग थी। साथ ही जो 6 से 8 की फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है, उसमें एक और अपडेट मैंने आपको दी थी, उसमें यही बताया गया था कि ये जो आंसर की जारी हुई नहीं है पीआरटी वाली फाइनल, उस पर मंथन हो रहा है कि लगातार अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है तो इसलिए उस पर मंथन हो रहा है, उसमें देखते हैं कुछ बदलाव होगा तो बताएंगे आपको, ऐसा इसमें आया था 6 से 8 की आंसर की फाइनल जारी होने से पहले। अब फाइनल जारी हो चुकी है, उसके बाद फिर से अपडेट आया, वो अब आप साइट में देख पाएंगे जो अभी का अपडेट है। अपडेट क्या है, न्यूज 18 की खबर पर फिर से लगी मुहर, बीपीएससी टीआरई 3 के 6 से 8 का फाइनल आंसर की जारी, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं आंसर की, अब आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका। 6 से 8 की बात की गई है, 9 से 10 11 से 12वीं का जो आना है फाइनल आंसर की वो 22 सितंबर तक जारी होगा दोनों का फाइनल आंसर की। उसके नीचे पीआरटी की बात की गई कि पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा मौका। एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के किया मंथन जिसमें सवाल और जवाब दोनों सही पाए गए हैं, तो ये जो मंथन की बात की जा रही थी इससे पहले वाली अपडेट में फाइनली वो मंथन हो चुका है, मतलब अब किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा अपडेट निकल करके आई है। बाकी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी कुछ प्रश्नों को लेकर के डाउट में हैं पीआरटी के, उसको लेकर के बीपीएससी ने अपनी फाइनल मुहर तो लगा दी है। अब देखने वाला यह है कि आप आंदोलन वगैरह वाली जैसी घटनाएं भी आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें यही चीज को लेकर के बात की गई थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन वगैरह भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।